बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब है और होलिका दहन जब हो रहा हो आपके घर के पास जहां होलिका दहन होता है, तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपके जीवन की जो दुख है, परेशानियां हैं, नेगेटिविटी सब होली में जल करके राख हो जाए और पॉजिटिविटी बढ़े और खूब धन आए। तो एक ये विशेष उपाय आपको बताने वाले हैं। ये उपाय ज़रूर करिएगा होलिका दहन वाले दिन जब आपके घर के पास होली जलेगी। सबसे पहले नोट करिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। इस साल होलिका दहन 28 मार्च 2021 को शाम को 8:37 से रात को 8:56 तक किया जा सकता है। यानी होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 8:37 से रात को 8:56 तक है, 28 मार्च 2021 के दिन। तो इस मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। अब जब होलिका दहन हो रहा होगा शुभ मुहूर्त में, उस दौरान आप ऐसा क्या उपाय कर लें जिससे कि आपके जीवन में जो दुख हैं, परेशानियां हैं, सब होली में जल करके नष्ट हो जाएं, नेगेटिविटी सारी दूर हो जाए और पॉजिटिविटी बढ़े और धन मिले, उन्नति हो। क्या करना है आपको कि एक नारियल लें और अपने सिर से 7 बार उसको घुमाएं। सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसे एक थैले में रख लें और जहां होली जल रही है, जब होली जलने लगे उसमें वहां जाएं और होली के 7 बार चक्कर लगाएं और 7वीं बार जो नारियल है उसको अग्नि में सौंप दें, अग्नि में डाल दें। ये उपाय करने से आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है, दुख है, सब उस होली में जल करके समाप्त हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी, धन आगमन होने लगेगा, उन्नति के रास्ते बनने लगेंगे। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आपके परिवार में और लोगों के लिए यदि उपाय करना है तो सबके लिए अलग अलग नारियल लेना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि परिवार में आपके 4 सदस्य हैं, 2 बड़े 2 बच्चे, तो 4 नारियल लेना है, सब के लिए अलग नारियल घुमाना है और उसको एक थैले में रख लीजिए और फिर वहाँ जाइए। वहाँ एक ही आदमी जा सकता है और चक्कर लगाइए 7 बार होलिका के और फिर वो नारियल अग्नि में सौंप दीजिए, होलिका में डाल दीजिए। और ये तभी डालना है होलिका में जब आग जल रही हो, पहले से डाल के नहीं आना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितने सदस्य हैं उतने नारियल का प्रयोग करना है। तो ये उपाय आप होलिका दहन के दिन कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, धन आगमन के स्रोत बनेंगे, उन्नति के रास्ते खुलेंगे। तो होलिका पर्व आपके लिए बहुत शुभ हो। भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, आपकी समस्त जीवन की परेशानियों को दूर करें, उन्नति के रास्ते बनाएं, मनोकामना पूर्ण करें। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम अवश्य लिया करिए। अभी बोलिए जय श्री कृष्ण।